नमस्कार दोस्तों, इन फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक प्रश्न जो हमसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आज के वीडियो में हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं। और वो प्रश्न है कि अगर मैं फ्रेशर हूं तो मैं कैसे तैयारी स्टार्ट करूं। अगर कोई एकदम शुरुआत कर रहा है तैयारी की, तो वो इस परीक्षा की तैयारी के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, कहां से शुरुआत करें। आज का ये वीडियो उनके लिए बहुत खास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी इस परीक्षा की, या फिर इसको आप जनरली किसी भी परीक्षा से रिलेट कर सकते हैं। ये दरअसल कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना जरूरी है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। ओके, तो सबसे पहला इसमें जो स्टेप आता है वो देखिए होता है कि ऑफिशियल सिलेबस समझना। ऑफिशियल सिलेबस में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि ऑफिशियल सिलेबस, आमतौर पर लोग क्या करते हैं, ऑफिशियल ना पढ़ के बल्कि अपने दोस्तों से पूछ लेते हैं कि अच्छा इसमें क्या आता है, या फिर वो किसी फेसबुक ग्रुप के माध्यम से या फिर किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो ये समझने लगते हैं कि ऑफिशियल सिलेबस क्या है। वो दरअसल ऑफिशियल सोर्स ना होके अनऑफिशियल सोर्स होता है। आप सीधे वेबसाइट से जाएं, ये संभावना है कि आपको जो भी बताएगा वो हो सकता है सारा ऑफिशियल एकदम एग्जैक्ट बता दे, सही बता दे। परंतु फिर भी मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि सबसे पहले तो आप जो भी आयोग आपका वो एग्जाम करा रहा है, आप उसकी वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट पर जाइए, आप वहां पर देखिए कि उनका ऑफिशियल सिलेबस क्या है, उसका कोई पुराना नोटिफिकेशन पड़ा है वो क्या है, और क्या क्या चीजें उसमें पूछी जाती हैं, कौन सी चीजें प्री में पूछी जाती है, कौन सी चीजें मेंस में पूछी जाती है। एग्जाम पैटर्न को समझिए। कई लोग ऐसे हैं जो कि प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं परंतु फिर भी उनको ये नहीं पता रहता कि अच्छा इसमें जीएस कितने नंबर की आनी है, हिंदी कितने नंबर की आनी है। तो उन सभी चीजों को समझिए आप लोग। और इसके लिए देखिए, एक हम लोग अपने ऐप पर, आप लोगों को पता ही है कि समीक्षा अधिकारी के लिए काफी सारे एफर्ट्स हम लोग अपने चैनल के माध्यम से करते हैं, तो वैसे ही देखिए हमारे ऐप पर आपको ऑफिशियल सिलेबस भी मिल जाएगा, जो आप उसमें स्टडी मटेरियल्स वाले सेक्शन में जब जाएंगे वहां पर देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जो दूसरा स्टेप है, सेकेंड स्टेप, वो है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करना, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर को समझना, उसको ये समझना कि वहां पे किस स्तर के प्रश्न आ रहे हैं, किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आते हैं, किससे कम आते हैं, किस सब्जेक्ट से ज्यादा प्रश्न आते हैं, किससे कम आते हैं। इन सभी बातों को एनालाइज करना, समझना, ये काम आप कर सकते हैं। इसको भी हम लोग अपने ऐप पर आरओ के लिए सारे पेपर्स डलवा दे रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के, न केवल प्री के बल्कि मेंस के, ताकि आप लोग खुद से ही एनालाइज कर पाए। इस चीज में आप लोगों को किसी भी अन्य की आवश्यकता नहीं लेनी है, बल्कि सीधा सिलेबस जाके देखना है। कई बार ये भी होता है कि सिलेबस में आप देखेंगे कि जैसे समीक्षा अधिकारी का सिलेबस है, वहां पर आप जाके देखेंगे कि वहां पर जो अलग से कुछ एक टॉपिक दिया, जैसे प्राकृतिक संसाधन अलग से ही टॉपिक दिया है। तो जब भी आप इन पेपर्स को एनालाइज करेंगे, वहां पर आप पाएंगे कि प्राकृतिक संसाधन से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। ये होता है फायदा जब आप खुद से इस ऑफिशियल सिलेबस को देखते हैं। इसी प्रकार से देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग आपके लिए डलवा दिए हैं। इसमें जरूर आप किसी YouTube चैनल या फिर कोई सीनियर, इनकी मदद आप ले सकते हैं। कोई भी ग्रुप वगैरह में अगर ऐसा बताया जाता है वो आप ले सकते हैं। होता क्या है कि आप जब नए नए होते हैं तो आपको दरअसल ये भी नहीं पता होता कि आपको पेपर को एनालाइज कैसे करना है, कि मतलब कौन से प्रश्न कठिन है, कौन से सरल है। जब आपने पढ़े ही नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा। तो इसमें आप ले सकते हैं कि किसी की भी सहायता, कि इसमें कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, कौन से लेस इंपॉर्टेंट हैं, कैसे कम समय में तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग भी कई सारे वीडियोज अपने सब्जेक्ट वाइज इसको लाते रहते हैं, ऑलरेडी पढ़े भी हुए हैं, जिसमें हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब सारी चीजें। ज्योग्राफी है तो उसमें कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी है तो उसमें कौन सा है। ऐसे ही हम लोग क्रमशः जो है धीरे धीरे कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स के लाते रहेंगे, उसको भी आप देखिए। तो इसमें आप मदद ले सकते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करना। स्टैंडर्ड यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, कि देखिए स्टैंडर्ड का मतलब कि जो भी ऑथेंटिक बुक है, जो प्रामाणिक बुक है, केवल उन्हीं को फॉलो कीजिए। कई बार क्या होता है कि आदमी देखता है कि अच्छा समीक्षा अधिकारी के एग्जाम है, अब उसमें जो है इस प्रकाशन की बुक आ गई है, चलो उसको ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम जब पीसीएस का आएगा तो उसमें फिर दूसरे प्रकाशन की बुक ले लिए, तीसरा कोई एग्जाम है उसमें तीसरे प्रकाशन की ले ली। ऐसा मत कीजिए। जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के लिए एक ही जो प्रामाणिक पुस्तक है उन्हीं का अध्ययन कीजिए। कौन सी पुस्तकें हैं तो उसमें देखिए कि आप सभी चैनल लगभग इस पे बनाते रहते हैं, हम लोगों ने भी बनाया है वाला वीडियो मैं इसमें टैग भी करवा दूंगा,
कि जिसमें मैं बुक लिस्ट डिस्कस कर रहा हूं समीक्षा अधिकारी के लिए, तो उससे आप ये समझिए कि ऑथेंटिक बुक्स कौन सी हैं, और बहुत ज्यादा सोर्सेस पे जंप ना कीजिए, इधर उधर भटकिए नहीं कि आपको हर एग्जाम में आप नई बुक उठा लें, वो नहीं। देखिए दरअसल जो है, कोई भी अगर आपको एग्जाम निकालना है तो उसका सीधा सा रूल समझ लीजिए कि आप किसी भी अगर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़िए, साथ में उसको 3 बार रिवाइज कीजिए। ये दरअसल गोल्डन रूल बोला जाता है, गोल्डन रूल ऑफ रिविजन, कि आप 3 बार उस सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिए। अब सोचिए कि अगर आप हर एग्जाम के लिहाज से आप कोई नई पुस्तक ले आएंगे तो क्या उसको 3 बार याद कर पाना संभव हो पाएगा, उसको 3 बार रिवाइज कर पाना, 1 बार पढ़ना 3 बार रिवाइज करना, वो संभव हो पाएगा? वो नहीं संभव हो पाएगा, क्योंकि आप वो एग्जाम में उतने दिन ही नहीं बचते हैं। जो भी ऐसी बुक्स आती हैं वो उसी समय पे आती हैं। आपको जरूरत है कि आप जो एक सारी चीजें डिटेल में जो अच्छी प्रामाणिक पुस्तकें होती हैं उनको पढ़िए, ठीक है। और इस पे आपको वीडियोज मिल जाएंगे हर चैनल के लगभग। उसके बाद आता है चौथा स्टेप कि ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज को सॉल्व कीजिए। ऑथेंटिक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर भी वही कि प्रामाणिक यानी स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज को सॉल्व कीजिए। देखिए कि वो जो टेस्ट बना रहे हैं वो वास्तव में पेपर के नज़दीक है कि नहीं। सभी के टेस्ट ओपन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध रहते हैं, कोई भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो उसमें वो लोग स्टैंडर्ड टेस्ट कम से कम 1 या 2 टेस्ट का डेमो देते हैं। आप उनको लगाइए, आप देखिए कि वो इस एग्जाम के वो कितना निकट हैं, अगर उससे दूरी है उनकी ठीक ठाक। यानी कई बार लोग क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां वो टेस्ट सीरीज बनवाती हैं और उनको बस इधर के प्रश्न उधर करके कॉपी पेस्ट करके वो आपको परोस दिए जाते हैं, वो ना कीजिए। क्योंकि ये अगर आप करेंगे तो ये जितना आपको टेस्ट सीरीज फायदा पहुंचाती है उतना ही वो आपको नीचे भी ले आएगी अगर आप प्रामाणिक टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करते हैं। एक बच्ची के जैसे आया मेरे पास, उसने कहा कि एक लड़की थी, उसने कहा कि सर मेरे ये प्रश्न जो है मैं इतना पढ़ी हूँ, रिवाइज भी करती हूँ, मगर ये प्रश्न मुझसे सॉल्व नहीं होते। आरओ का पेपर है प्रीवियस ईयर का, सॉरी टेस्ट सीरीज का, ये मुझसे सॉल्व नहीं होते। बड़ी कोचिंग की वो टेस्ट सीरीज थी, और वहां पर जब मैंने देखा तो वो टेस्ट सीरीज में प्रश्न कितने थे तो 150 थे, और जबकि इसमें आते कितने हैं तो 140 प्रश्न आते हैं जीएस के। मतलब या तो उनको पीसीएस वाली टेस्ट सीरीज आरओ की बना के बेच दी गई, या फिर शायद उन लोगों को भी नहीं पता कि इसमें 140 प्रश्न प्री में आते हैं, 120 प्रश्न मेंस में आते हैं। तो आप समझिए कि टेस्ट सीरीज का खेल ये होता है। तो वहां पर आपको जरूरी है कि ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज से ही कीजिए। तो यानी 4 स्टेप जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी दोस्त यार, किसी फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, इन सभी से ना देख के बल्कि सीधा ऑफिशियल सिलेबस देखिए, हमारे ऐप पर उपलब्ध है। उसके बाद देखिए तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप देखिए, ये भी हमारे ऐप पर उपलब्ध है। इसकी एनालाइज कीजिए, कैसा क्या सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। 3रे नंबर पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको आप पढ़िए, इसका वीडियो हम लोग अभी लिंक में डाल देंगे। 4थे नंबर पे आप लोग ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, इसमें हम लोग जो अपने तरफ से टेस्ट सीरीज लाए हैं, फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए 8 टेस्ट फ्री में अवेलेबल हैं। आप हमारे ऐप में लेफ्ट साइड मेन्यू में जाइए, वहां पर आपको फ्री टेस्ट नाम से ऑप्शन दिखेगा, 8 टेस्ट ऑलरेडी वहां पे हिंदी और जीएस के अपलोडेड हैं। उसके अलावा हम लोग सेक्शनल टेस्ट सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन चलेंगे। अब देखिए कोई भी आपका जीएस का पोर्शन है, आपने जीएस का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा और उसके बाद कोई भी टॉपिक आप पढ़े, उसके तुरंत बाद आप उसकी अगर टेस्ट सीरीज लगा लेंगे तो वो सबसे अच्छी स्थिति होगी। यहाँ पर जो हम लोग सेक्शनल टेस्ट सीरीज ला रहे हैं उसमें हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन चल रहे हैं, यानी आपको मंथली शेड्यूल दिया जाता है, मंथली शेड्यूल में आप उसको फॉलो करते हुए चलिए, आपकी तैयारी अपने तरीके से होने लगेगी। और जब एक बार आपका सेक्शनल टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि सारी, आप लोगों ने देखा भी है कि समीक्षा अधिकारी पे हम लोग अपना एक थोड़ा सा अधिकार मानते हैं क्योंकि उस पर हम लोग का अच्छा खासा अनुभव है, तो हमारी सारी टीम का ही। तो उस प्रकार से आप देखिए कि इन 4 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं, और विश्वास मानिए कि सबसे ज्यादा जरूरी है आपको इन पर विचार कर लेना, ये 4 स्टेप्स जो है यहाँ पर आप देखिए हमने लिखा भी हुआ है, प्लान पेशेंटली इम्प्लीमेंट इम्पेशेंटली, मतलब कि आप जब किसी चीज को प्लान करें तो उसको एकदम पेशेंटली यानी धैर्यपूर्वक तरीके से प्लान कीजिए, लेकिन जब उस पर कार्य कीजिए तो फिर वो बिल्कुल अधीर हो के, मतलब बस मुझे उसको पार करना है, अपने टारगेट्स को पार करना है, तो उसमें आपको धीरज धरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब प्लान कीजिए तो बहुत धैर्य के साथ प्लान कीजिए, भले ही उसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन अगर आपको डिसाइड करना है कि हमें पॉलिटी में कौन सी बुक पढ़नी है तो उसको आप इधर उधर से 2-4 लोगों से पूछ के, 2-4 चैनल देख के, 2-4 फेसबुक ग्रुप, जो भी आपको लगता है आप जहां से भी पता कर सकते हैं,
आप उनको अच्छे से एनालाइज करने के बाद में उन बुक्स को देखिए कि वो क्या आपके लिए सुपाच्य हैं, आपको लग रहा है कि वो इंपॉर्टेंट बुक्स है, तो फिर वहां से आप स्टडी कीजिए और बहुत ज्यादा अपनी बुक्स को जंप ना करते रहिए, उसको बदलते ना रहिए, ठीक है। तो ये हमारा मानना है कि अगर फ्रेशर्स जो है इन सभी बातों को अच्छे से मान लेते हैं, ये चारों स्टेप को अच्छे से फॉलो करते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इन चारों के लिए ही हम लोगों ने अपने ऐप पर सभी चीजें उपलब्ध करा रखी हैं, आप उनका लाभ लें, हमारे ऐप को देखें, उसका भी हम लोग लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे डलवा देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।